Hello and welcome to my review of Bigg Boss Marathi, day 91-92. My biggest boring moment of the episode, 30 minutes wasted on Sai and Pushkar. Yes, Sai-Pushkar ka jo whatever, friendship or relation, whatever they have is very boring now. Aur Bigg Boss ne आज के एपिसोड में नियरली 30 मिनट्स सिर्फ उनको बताया है. पता नहीं व्हाट इट दे आर गोइंग टू अचीव. प्रोबेबली अ रिमाइंडर टू व्यूअर्स, ओके बिफोर यू वोट दिस इज व्हाट इट इज, सो बी स्मार्ट बिफोर यू वोटिंग. मतलब कितना पकाएंगे, वही 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 बोलते रहते थे. इट वॉज वेरी बोरिंग. पुष्कर के घर से केक आया था विच वॉज रियली क्वाइट प्रेटी. And of course, and cake cut karke and their happy dance and all that celebrations were there. Sai surprises him with gifts. Raat ko jab sab log so jaate hain, so she makes some gifts for him. Ek bouquet, she makes a nice card and also ek pura packet of tissues. Usne barbaad kiya ki har ek tissue mein I promise likh ke rakhti hai. And the next morning she explains that she is giving him a box full of promises. And each promise stands for different, each one represents a different promise. And Pushki baby was moved to tears. Anyway, it was just boring the first 30-40 minutes which was devoted to Sai and Pushkar. My God, if the entire week, next 6 days, agar aadhe episode Sai Pushkar ke liye devote karenge to I think we should better start watching the show only after 10, I would say. Because 9:30 to 10:15 tak to bahut bore ho raha tha. Smita ko a bit of insecurity, fear, not insecurity, a fear ki kya hoga aage. But Aastad reminds her ki, the way, every time she has been nominated since week 9, पण ती बाहेर गेली नाही. तिच्यासमोर एवढे पॉप्युलर पीपल हॅव लेफ्ट, सेलिब्रिटीज हॅव बीन वोटेड आउट अँड शी इज स्टील देअर. आणि म्हणून तू अजिबात इनसेक्युअर वाटून घेऊ नकोस. यू डोंट हॅव टू फील दॅट वे. अँड दॅट्स एक्झॅक्टली वॉट आय सेड येस्टरडे. जब रेशमने आस्ताद को डिरेक्टली फायनल्स के लिए सेव किया, दॅट प्रोबेबली वुड हॅव बीन द रिझन. That was a smart move. But Megha was wondering ki tine Smita la ka ne save kela, Aastad la kashala save kela tine. Probably this is the reason ki Aastad needs better support than Smita. Smita is very much stronger. Uske baad actually task shuru hua, which was like back to school, BB Vidyalaya. Aur aaj major ye tha, Sai as a PT teacher. जब टास्क शुरू हुआ दैट वॉज दी ओनली एंटरटेनिंग पार्ट. एंड ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट कौन प्रोवाइड करता है? मेघा. मेघा वॉज ब्रिलियंट. सबसे पहले वो लोग लेट आते हैं एंड वेन द टीचर आज दैट इज सही बाई विचारते कि का उशीर झाला तुम्हाला. यू नो आय लाईक हर रिस्पॉन्सेस क्विक. माझी मम्मा उशिरा उठली, ते मला नाही उठवलं म्हणून मी उशीर झाली. आय मीन दीज आर दोज क्विक रिस्पॉन्सेस. दिस इज अ मेघा दॅट वी वॉन्ट टू वॉच एव्हरी टाईम. There was some bitching that was still going on. Let's not talk about that. I think that comes with Megha part and parcel. But jo task wo kar rahi thi na, it was hilarious. Jis tarah se wo kar rahi thi. Everyone did try. Smita was the only good student. Sharmista was trying to just extend on whatever Megha was doing. Aastad also surprisingly was very good. Especially uska jab ek ek कमेंट ऑन वॉट अदर्स आर डूइंग. लाइक शर्मिष्ठा वॉज गिविंग द रीज़न कि वो उसके पापा के साथ आ रही थी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो पेट्रोल भरने गए एंड ऑल दैट स्टोरी शी वॉज गिविंग. एंड ऐसा बोलते ती खोटं सांगते, ती खोटं बोलते, तिच्याकडे गाडीच नाही आहे. सो यू नो दे ॲक्च्युली केम इन टू एलिमेंट वेन द टास्क स्टार्टेड. अँड पी टी पिरियड इवन वेन सई बाई आस्क वॉट डज पी टी स्टँड फॉर आणि पुष्कर फिजिकल कोण, आय थिंक या इट वॉज पुष्कर हू सेड फिजिकल ट्रेनिंग इन व्हेरी गुड. अँड आस्ताद अगेन लाईक
ही मेड अ जोक ऑफ इट बट द बेस्ट अगेन वॉज मेघा. तेना ते चुकीचं लिहिलं, उलट लिहिलं आहे, ते ॲक्च्युली ना टी पी आहे, टाईमपास. सो दॅट व दोज क्वर्की मोमेंट्स विच इज व्हेरी एंटरटेनिंग. शेवटचा अर्धा तास फक्त खूप एंटरटेनिंग होता. बिग बॉसनी बी टीचर चुन चुन के लिए हैं सब्जेक्ट्स के लिए, पीटी के लिए सही, बिकॉज शी इज़ व्हेरी लेजी इन द बेड. मराठी टीचर आई है स्मिता गोंदकर, शी ही वुड बी टीचिंग मराठी. वो बहुत स्वीट टीचर है, बहुत स्वीट स्टूडेंट थी, तो स्वीट टीचर भी है. जहाँ सही सबको छड़ी से मार मार रही थी, वहाँ स्मिता तो चॉकलेट बांटते फिरती है. एसे लिखने को कहा था, सही का एसे वॉज ॲक्च्युली यू नो एक निबंध जे मुलं लिहितात तशीच लिहिली होती तिने. पण अस्ताद वॉज रिअली गुड. फर्स्ट इसेस मी ना माइंड इज दिसिंग बिकॉज मी आईच्या वरती 10 ओळी लिहिले. सो ही स्टार्ट्स विथ दॅट अँड इट वॉज सो हिलेरियस दॅट निबंध वॉट ही राईट्स. आय रिअली विश वी कुड गेट दॅट एंटायर कॉपी ऑफ हिज निबंध. इट इज अ मास्टर पीस. मीन्स ही राईट्स एव्हरीथिंग, लाईक धरती मेरी माता है, और किसान की, किसान के लिए जमीन उसकी माता है, ही गोज ऑन एंड ऑन. और यू नो हम गाय को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन मेरी माँ ना धरती ना कोई गाय है, ना कोई गाय पालती है, ना उसके पास कोई ज़मीन है, ऐसे वो तो सिर्फ सिग्नल पालती है. सो इट वॉज वेरी हिलेरियस, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ह्यूमरस. कल भी टास्क चलेगा, और चलेगा ऑब्वियसली. मेघा टीचर बनके जब आएगी तो प्रमोस में ऑलरेडी दिखाया है कि जिस तरह से मजाक मस्ती होता जा रहा है, आई होप कि यह लास्ट वीक में सब कुछ मजाक मस्ती में ही रहे एंड दे डोंट टेक इट एनीथिंग सीरियसली. नाउ द बिगेस्ट शॉकर, मुझे नहीं पता चला जब स्क्रोलर आया कि वोटिंग लाइंस आर क्लोज दिस वीक. फिनाले वीक है, वोटिंग लाइंस बंद किया गया है. आई डोंट नो व्हाई, क्यों, सबको विनर डिक्लेयर करना है क्या? महेश मांजरेकर ने खुद अनाउंस किया था कि मिड वीक एविक्शन होगा. सो वोटिंग लाइंस बंद करके क्या अपने मर्जी से सबको एविक्ट करने वाले हैं? इट्स रियली सरप्राइजिंग गाइस. इफ एनीवन हैज एनी क्लू व्हाई द वोटिंग लाइंस आर क्लोज, प्लीज शेयर, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट एवरीवन गेट्स टू नो द रियल रीजन. दैट्स ऑल. गुड नाइट, शुभ रात्रि. And don't forget to like and subscribe. Thank you.